स्कैम क्षेत्र में डायरिया से हुई दो मौत के बाद नगर निगम का अमला सक्रिय हुआ है। गुरुवार से नालियों में हुए अवैध कब्जों को हटाने अभियान की शुरुआत की गई, जिसके लिए निगम कर्मचारियों को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। डायरिया प्रभावित वार्ड क्रमांक 31 और 32 के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों द्वारा नालियों पर अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अतिक्रमण को हटाने नगर निगम की टीम द्वारा डायरिया प्रभावित क्षेत्र से अभियान की शुरुआत की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लाव लश्कर के साथ पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोग अतिक्रमण हटाने तैयार नहीं दिखे। निगम की टीम द्वारा नालियों से अतिक्रमण हटाकर कब्जा मुक्त किया गया। गौरतलब है कि अपनी सुविधा अनुसार लोगों ने नालियों में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नालियों में कचरा जाम होने के साथ निकासी बाधित हो रही है। गंदगी और प्रदूषित पानी की वजह से क्षेत्र में डायरिया फैला और एक बच्ची और एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभियान में बाधक बन रहे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिससे नालियों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।